चिंतन के मूल नायक चैतन्य चमत्कारी श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज समय शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद की मंगल भावना को लेकर के आप मेरे साथ सभी शामिल हो जाएंगे। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है कि तीर्थराज समय शिखर की तलहटी में विश्व की अनमोल कृति गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। बंधुओं, आत्मा से परमात्मा बनाने के संपूर्ण विज्ञान को जो जीवंत रूप से दिखाने वाला वह एक ही आयतन है, वह है गुणायतन। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी तक अगर आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो गुणायतन के कार्यालय से संपर्क करके आप किसी न किसी योजना से जरूर जुड़ करके गुणायतन को शीघ्र पूर्ण करने में अपना योगदान देवे, जिससे कि हमारा गुणायतन अति शीघ्र पूर्ण हो सके। बंधुओं, आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे आवाहन पर अनेक लोगों ने गुणायतन से जुड़ने की स्वीकृति दी है। आज निर्वाण सारथी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान अशोक कुमार जी, मुन्नी देवी जी, श्रीमती विनीता जैन, ईरांश जैन, विभांश जी जैन, इंदौर मध्य प्रदेश से जोरदार ताली बजा कर उनका अभिनंदन करते हैं और यहाँ उपस्थित मैं निवेदन करता हूँ आए हमारे नए निर्वाण सारथी मंच के ऊपर आए और हम इनका अभिनंदन करते हैं। गुणायतन परिवार हमारा अभिनंदन कर रहा है, मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में हमारे गुणायतन के ट्रस्टी माननीय अशोक जी, सुषमा जी सिंह यहाँ पर उपस्थित हो रही से आए और इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करते हैं, मंच के ऊपर पूरे परिवार के साथ आ जाए। माननीय अशोक जी, मुन्नी जी देवी, श्रीमती विनीता जी, ईरांश जैन, विभांश जैन, इंदौर मध्य प्रदेश से। बंधुओं, इन्होंने अपने आप को जोड़ लिया है निर्वाण साथी के रूप में और क्रम से यह कड़ी बढ़ती जाए ऐसी मंगल भावना के लिए कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। साथी बंधुओं, ना कि सिर्फ ये सदस्य योजना हो या कि निर्माण योजना, अनेक लोग इस रूप में भी जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर विशाल यह जिनालय जो बनकर के लगभग तैयार है पंचायतन शैली का, जिस जिनालय में स्वर्ण का कार्य होना है। बंधुओं, अनेक लोगों ने अपने स्वर्ण दान की स्वीकृति दी है और दिया भी है। तो बंधुओं, आज जिन्होंने स्वर्ण दान में अपने आप को जोड़ा है, हमारे बीच में डॉक्टर विवेक जी जैन, अनामिका जी जैन अहमदाबाद से हमारे बीच में है। मैं निवेदन कर रहा हूँ अगर वो यहाँ उपस्थित है तो मंच के ऊपर आए, जोरदार ताली बजाकर हम उनका अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित हैं क्या? मैं अभी आ नहीं पाए, तो जोरदार ताली बजाकर हम उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, यह शंका समाधान का कार्यक्रम अपन प्रारंभ करें। बंधुओं, पूज गुरुदेव के चरणों में अपन चलते हैं, जहां शंकाएं तो अपनी है पर समाधान पूज्य गुरुदेव का है, तो सम्यक समाधान के लिए अपन चलते हैं। और प्रथम प्रश्न को लेकर के हमारे बीच में मैं आवाज दे रहा हूं रुचि जैन दमोह से, जो कि पूज्य चुल्लक श्री आगत सागर जी महाराज के परिजन हैं, अपना प्रश्न रख रही हैं। और इसी के बाद तैयार रहेंगे प्रणीता सुमित जी जैन नरडाना महाराष्ट्र से, मंचासीन मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु एवं चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे महाराज श्री, वर्तमान परिवेश में हर व्यक्ति सुखी तो रहना चाहता है पर दूसरों के सुख को सह नहीं पाता, उनके सुखी जीवन और हंसी भरे जीवन में उसे फूटी हाथ नहीं सुहाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम उनके दुख को देखकर सुखी महसूस न करें और उनको सुख को देखकर दुख महसूस न करें। नमोस्तु महाराज जी। बात बिल्कुल सही है और ये बड़ा ही विसंगति है कि लोग खुद तो सुखी होना चाहते हैं पर किसी को सुखी देखना नहीं चाहते। आज लोग दूसरों के सुख में दुखी होते हैं और दूसरों के दुख में सुखी महसूस करते हैं, इसकी वजह को देखिए। ये व्यक्ति की स्वार्थपरता और संकीर्ण मनोवृत्ति का परिणाम है। आज हर मनुष्य के मन में एक ही बात है कि
कि जो कुछ है वो सब मुझे मिले, ये एक प्रकार की हवस भी है जो मनुष्य को लालसा से भर देती है। और ऐसी मनोदशा जब तक होगी तब तक व्यक्ति कभी भी दूसरों के सुख को सह नहीं सकेगा। लेकिन जिसके हृदय में उदारता, परमार्थ से अनुबंधित बुद्धि हो, दूसरों के लिए त्याग करने का मनोभाव हो, जिनकी सोच ऊंची हो, वो दूसरों को सुखी करने का प्रयास करेंगे और सुखी देख के हर्षित होंगे। दोनों तरह के लोग हैं, पहले प्रकार के लोगों की संख्या अधिक है, दूसरे प्रकार के लोग कुछ कम हैं, पर हमें अपना स्थान दूसरे लोगों के लिए बनाना चाहिए, दूसरे प्रकार के लोगों में बनाना चाहिए, ताकि हम अपने को सुखी भर सकें और हम जो ये बात बोलते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, उक्ति को चरितार्थ कर सके। नमोस्तु महाराज। प्रणीता जी, सुमित जी जैन नरडाना महाराष्ट्र से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे प्रजक्ता उपेंद्र करेवर महाराष्ट्र से। नहीं, अगला बोलो। चलिए, यतीन जी कुमार जी शाह अर्थुना महाराष्ट्र से हमारे बीच में हैं, वो अपना प्रश्न रख रहे हैं, और इसके बाद फिर मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने आज प्रथम शांति धारा में अपने आप को जोड़ लिया है, ऐसे मनीष जी जैन, चेतना जैन डोगरगांव से, अनवी जैन छत्तीसगढ़ डोगरगांव से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, मैं बांसवाड़ा अर्थुना राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। गुरुदेव, हमारे अर्थुना में वीर सागर जी महाराज जी का 2015 में चातुर्मास हुआ था, तो उनकी प्रेरणा से पाषाण का मंदिर बन रहा है। गुरुदेव, पाषाण का मंदिर जो जिस गति से बनना चाहिए उस गति से नहीं बन पा रहा है, उसमें देरी हो रही है। तो गुरुदेव, धन की और ये व्यवस्था तो हो रही है, उसके बाद भी समाज और बड़े बुजुर्गों द्वारा क्या प्रयास किया जाना चाहिए कि मंदिर का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र हो? देखो, पाषाण का मंदिर एक दिन में नहीं बनता और एक दिन के लिए नहीं बनता, सहसों वर्ष के लिए बनाए जाने वाले मंदिर में कुछ वर्ष तो लगेंगे। एक बार जब यहाँ के मंदिर की प्रतिष्ठा की बात आई, जल्दी करे, और मैंने कारीगर के उसे कहा कि भाई जल्दी फिनिश करो, तो उसने मुझे बहुत बड़ी बात कह दी। उसने कहा, कारीगर ने जो बात कहा वो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। कारीगर ने कहा, बोले महाराज जी, पत्थर के मंदिर की प्रतिष्ठा दूसरी पीढ़ी कराती है। पत्थर के मंदिर की प्रतिष्ठा दूसरी पीढ़ी कराती है, समय लगता है, 10-12 साल तो मामूली बात है। आप लगे रहिए, अपनी तरफ से शिथिलता मत रखिए, लेकिन ये टाइम लगेगा। कहीं भी दुनिया में जितने भी मंदिर बनते हैं सबको 10-10-12 वर्ष लग जाते हैं, कितने भी तीव्र गति से लगाओ, है ना। आप देखिएगा कि उसकी पूर्णता होते होते उतना समय लगता ही है, इसलिए इसको लेके अधीर मत होइए। बस आप एक काम कर सकते हैं, अपने निर्णय समय पर कीजिए, ड्राइंग डिजाइन को ठीक ढंग से लॉक कर दीजिए, और काम की गति में अपनी ओर से कमी मत होने दीजिए, तो हो सकता है कुछ पहले आपका काम हो जाए। नमस्ते भगवान, नमस्ते। मनीष जी, चेतना जी, अवनी जैन डोगरगढ़ छत्तीसगढ़ से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा NN पाटनी जी परिवार के साथ कोल्हापुर महाराष्ट्र से। साक्षात विराजमान मुनिवर को तीन बार नमोस्तु, 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 और क्षुल्लक को शामी, शामी, शामी। गुरुवर, 2 वर्ष पूर्व मेरी पूजनीय माँ का शिखर जी के लिए प्रस्थान हुई थी, लेकिन अकस्मात ट्रेन एक्सीडेंट में उनका देवलोकागमन हो गया। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या उनका ये इस तरह का देवलोकागमन होना एक पापकर्म है? अगर हाँ, तो ऐसा हम क्या करें कि वो आत्मा जहाँ पर भी हो उनके बीच में हमेशा धार्मिक माहौल बना रहे? देखिए, लोक में किसी के वियोग को अच्छा नहीं माना जाता। खड़े रहे आप। किसी के वियोग को अच्छा नहीं माना जाता, और जिस चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता, तो मैं कह दूं कि किसी की मृत्यु पुण्य का उदय है तो शायद गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन एक विसंगति कि उसके बाद भी आप हर साल उनकी मृत्यु की तिथि को पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं,
क्या कहते हैं, पुण्य तिथि, मतलब किसी का मर जाना पुण्य का कार्य हो गया। क्यों मनाते पुण्य तिथि? जिसकी मृत्यु हुई, जो मरा, वो तुम्हारे पुण्य से मरा या तुम्हारे पाप से मरा? लेकिन इसको थोड़ा और गहराई से समझिए कि मरणोपरांत हम जब उनकी, आप लोग जो उनकी वर्षगांठ मनाते हो उसे पुण्य तिथि कहते हो, तो उसका अर्थ मुझे ये दिखता है कि वो पुण्य तिथि इसलिए है कि वो तिथि पुण्य करने की प्रेरणा लेकर आई है। संसार में कुछ भी सार नहीं है, हमारे बाप दादा मरे, सब छोड़कर चले गए, जो उनका पुण्य पाप था वही उनके साथ गया, इसलिए संदेश दिए ये तिथि को पुण्य तिथि बनाओ और जितना बने पुण्य करो ताकि वो तुम्हारे साथ जाए। समझ गए? तो पुण्य तिथि को इस अर्थ में पुण्य तिथि मनाओ, नहीं तो पाप तिथि है। समझ गए? अब आपका जो मूल सवाल है कि वो कहाँ गई होगी, तो जहाँ भी गई होगी अच्छी जगह गई होगी, अच्छे भाव से आ रहे हैं, हम गारंटी से तो नहीं कह सकते, तो किसी दिव्य ज्ञानी से पूछना पड़ेगा कहाँ है। लेकिन जो हमने अभी तक शास्त्रों में पढ़ा, सुना और अनुभव किया है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अच्छे निमित्त से जाने वाले नियमतः सदगति के पात्र होते हैं। और फिर आपको एक सलाह, उनकी चिंता मत करो वो कहाँ गई होगी, वो जहाँ गई वहाँ रम गई, अपनी चिंता करो कि हमें कहाँ जाना है। हम उनके लिए रोते हैं जो हमें कभी याद भी नहीं करेगा, मेरी बात को बहुत गहराई से समझना। हम उनके लिए रोते हैं जो हमें कभी याद भी नहीं करता। याद करो, तुम्हें कभी अपने लोगों की याद आई कि किनको विलखता छोड़कर मैं यहाँ आया? 35, 40, 45, 50 की उम्र हो गई, एक भी बार ख्याल आया कि मैं किसी को विलखता छोड़कर यहां आया हूं? किसी को आया क्या इस सभा में? यही इस बात का सबर प्रमाण है कि जो जहां जाता वहीं रम जाता है। इसलिए मोह छोड़ो। और कितनी मां के लिए रोओगे, तुम्हारी अनंत माताएं हो चुकी, एक मां नहीं बनी, अनंत मां। समझ गए? इसलिए मोह मत करो। हाँ, अगर कुछ सकारात्मक पाना है तो उनके आदर्शों का अनुसरण करो, उनके संस्कारों को पल्लवित करो, अपने आचरण और व्यवहार को इतना पवित्र बनाओ कि तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे माँ बाप की प्रशंसा करने के लिए भी बाध्य हो उठे। नमस्ते गुरु, नमस्ते। निवेदन कर रहा हूँ एनएल पाटनी जी परिवार कोल्हापुर महाराष्ट्र से मैं प्रश्न रख रहे हैं, और इसके बाद फिर मैं सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा। हमारे बीच में हमारे पूज्य चुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज विराजमान हैं और इनके जन्म देने वाले माता पिता यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन के लिए मैं। नमस्तु 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 महाराज जी। हमारे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि हम बहुत पुण्यशाली है कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, बहुत ही पुण्यशाली है, लेकिन ऐसा प्रश्न मन में आता है कि हम सिर्फ जैन कुल में है इसीलिए पुण्यशाली है, लेकिन बाहर के धर्म के लोग या फॉरेनर्स ऐसे बहुत से बड़े बड़े काम किए हैं, तो उनका पुण्य पुण्य नहीं है क्या? दूसरा और पूछ लो। नमस्तु महाराज जी। प्रातः देखा जाता है कि हम कोई व्रत या नियम लेते हैं लेकिन किसी कारणवश हम उसे निभा नहीं सकते, तो क्या उसमें हमें क्या दोष लगता है? निभा नहीं सकते? हाँ। देखिए, मैं दोनों के सवाल का उत्तर देता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि दो लोगों को पूछना है, मैं सोचा शायद आप ही दो पूछ रहे हैं, हालांकि अनुमति सभी को एक की है। आपने पूछा है कि हम पुण्यशाली हैं क्योंकि हमने जैन कुल में जन्म लिया, क्या बाकी लोग पुण्यशाली नहीं हैं? मैं कहता हूँ बेशक पुण्यशाली। पुण्यशाली होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं ना, वो आपसे कहीं ज़्यादा पुण्यशाली हैं, उनके पास ज़्यादा पुण्य है, पर उस पुण्य का क्या अर्थ? पुण्य तो बिन लादेन का भी था, पुण्य तो सद्दाम हुसैन का भी था, जितने आतताई लोग हैं उनका भी पुण्य होता है, वही पुण्य उनको जलवा देता है, लेकिन उस पुण्य की कोई महत्ता नहीं। हम अपने आप को पुण्यशाली इस अर्थ में कहते हैं या कह सकते हैं कि हम ऐसे कुल में जन्म लिए जहाँ हमें निर्मल बुद्धि और पवित्र संस्कार मिले हैं, हम पीढ़ियों
गुणों से शुद्ध और सात्विक जीवन जीने के आदि और अभ्यासी हुए, ये पुण्य है। ये पुण्य नेत्र नहीं मिलेगा। याद करो, पीछे किसी पीढ़ी में 10 पीढ़ी तक एक इतिहास नहीं मिलेगा कि तुम्हारे कुल में किसी ने हिंसक आचरण किया। ये कुल में पुण्यशाली होने का अर्थ है। कोई अपवित्र काम किया हो नहीं, ये हमारे संस्कार में हमारा डीएनए टेस्ट किया जाएगा तो हमारे अंदर ऐसी पवित्रता निकलेगी। ये पुण्य है, ये धन वैभव, ये प्रतिष्ठा, ये रसूख, ये रुतबा, ये पुण्य का प्रमाण नहीं। ये पुण्य तो बुद्धि को पाप में अनुरक्त कर सकता है, भटका सकता है, लेकिन हम उस पुण्य की महिमा गाते हैं जो हमारी बुद्धि को निर्मल बनाता है, और वो पुण्य संस्कारों में फलता है। इस अर्थ में हम पुण्यशाली, समझ गए, और इसका गर्व होना चाहिए और उसकी रक्षा भी होनी चाहिए। अब आपका दूसरा सवाल, हम कोई नियम ले और निभा ना पाए तो गड़बड़ है। ये अपने लिए भगवान को, अपने द्वारा भगवान को या गुरु को दिया हुआ कमिटमेंट तोड़ दें, या खुद के प्रति किए गए खुद के कमिटमेंट को खंडित कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। हमें नियमों को लेकर निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए, तोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और टूट जाए तो तब तक बेचैन रहना चाहिए जब तक गुरुओं से उसका प्रायश्चित लेकर शुद्धिकरण न कर ले। बस हो गया महाराज जी, एक सिर्फ से सबके लिए है। मैं और भी लोग हैं बहुत सारे, जल्दी पाटिल कोल्हापुर, मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ, मुझे एक इस चीज का हमेशा ही ख्याल में आता है, अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक के बारे में जहाँ जहाँ मैं पढ़ता हूँ। आपका प्रश्न का बहुत विस्तृत प्रश्न है, फिर उत्तर देंगे, आगे बढ़िए। चलिए, मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूँ बंधु हमारे बीच में, हमारे संघ में साधनारत पूज्य छुल्लक श्री चित्रूप सागर जी महाराज हैं, जिनको जन्म देने वाले माता पिता अशोक जी छाया जी कोटेगांव से हमारे बीच में बड़े सम्मान के साथ उन्हें मंच के ऊपर बुला रहा हूँ। जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं, और इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे गुणायतन किसी माननीय सुभाष जी यहाँ पर उपस्थित, निवेदन करता हूँ आए। और साथ ही साथ मैं एक ऐसे शख्स को आवाज दे रहा हूँ बंधुओं, सागर जिला में कोई भी छोटा बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो और वहां पर ऋषभ बांधरी जी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज उसी परिवार से उनके पुत्र अरिहंत जी, पुत्र वधु प्रियंका जी यहाँ पर उपस्थित, मैं निवेदन करता हूँ आए। इस अभिनंदन की कड़ी में आपका सहयोग यहाँ पर हो गए, जोरदार जोरदार ताली बजा करके हम ऋषभ जी के लिए भी अभिनंदन करते हैं और सम्मान कर रहे हैं हमारे माता पिता का। आप लोग तालियां जरा जोर से होना चाहिए बंधुओं, क्योंकि ये व्रती परिवार का सम्मान हो रहा है, ये पैसे से सम्मान नहीं, ये त्याग का सम्मान है। इस सम्मान का बहुत बढ़िया आएगा, और आप भी पहुंचे इस अभिनंदन में। हाँ अरहंत भाई आप, प्रियंका जी आप माँ का अभिनंदन करें दुपट्टे से, जोरदार जोरदार तालियां आप देते जाइए, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, पूज्य श्री के समक्ष अभिनंदन हो रहा है, इस अभिनंदन की कड़ी में हम सब सहभागी बने हैं, जोरदार जोरदार कर्ता ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। और अपना प्रश्न लेकर के हाँ, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, हमारी माँ अपना प्रश्न रख रही है, माँ छाया जी, और फिर अरहंत भाई भी अपना प्रश्न रखेंगे। ब्रह्मचारी, अच्छा माँ की बात, ब्रह्मचारी भैया मंजा सेन मुनि श्री गुणार्चन प्रीता अध्यात्मीता ब्रह्म सागर जी महाराज की प्रणाम, सागर जी के महाराज के चरणों बार बार नमोस्तु, कोटि कोटि बंदन। मुनि श्री निर्वेक सागर जी के महाराज की चरणों कोटि कोटि बंद, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक महाराजों के महाराज चरणों में बारंबार इच्छामि 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 इच्छा। महाराज जी आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अत्यंत गर्व के साथ कहती हूँ, ऐसे सिद्ध क्षेत्र में और आपके सामर्थ्य में अपने बेटे को देखा, मैं बहुत पुण्यशाली समझती अपने आप के लिए, आपके इस आनंद में साधना करने का मेरे बेटे को ऐसा पुण्य मिला। मैं बहुत अपने आप को गर्वशाली मानती, पुण्यवान। मैं भी 7 प्रतिमा लेकर अभी आचार्य श्री से आई हूँ, 7 प्रतिमा धारी हूँ और सभी व्रतों का पालन कर रही बहुत दिनों से। महाराज जी मैंने पहले बहुत दिनों से सोचा अपने बेटे को निकालने का,
पर ऐसा अभी संसर्ग मिला मुझे कि आपके चरणों में मैं बहुत बहुत खुश और बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने बेटे को आपके चरणों में साधना के लिए हूँ, ऐसी भावना करती हूँ और मार्ग पर पड़े और अपने परम पद को प्राप्त करे आपके चरणों में, मैं भी आपके चरणों में आर्या बनूं, ऐसी भावना रखती हूँ महाराज जी। एक बार जोरदार करफल ध्वनि से अभिनंदन कर दो, ये एक माँ के उद्गार हैं और उस क्षण माँ की कोख कृतार्थ हो जाती है जब उनका जाया बेटा मोक्ष मार्ग का अनुरागी हो जाता है। हमारे संग में चिद्रूप सागर जी एक अच्छे साधक हैं और परम पूज गुरुदेव के आशीर्वाद और कृपा से यहाँ आए हैं। निश्चित ये एक बहुत बड़ी बात है और मोह में आंसू बहाने वाली माताएं बहुत मिल जाएगी, लेकिन अपनी संतान को मोक्ष मार्ग में लगाकर हर्षित होने वाली माँ कोई विरली होती है। एक बार पुनः आशीर्वाद। मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूँ हमारे अंग्रज अग्रज, पहले वो हो जाए, पहले हमारे, चलिए मैं निवेदन करता हूँ। भैया अरहंत जी प्रियंका जी अपना प्रश्न रख रही हैं। फिर नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। अर्जित संपत्ति का विभाजन विभिन्न उपयोगों के लिए, दान, सेवा, स्वयं के उपयोग और इमरजेंसी के लिए सेविंग्स, इसको किस अनुपात में विभाजन करके रखना चाहिए? तीन प्रकार का विनियोजन बताया है अपनी अर्जित संपत्ति का। सबसे उत्तम अपनी आय के दो चार भाग करिए, उसमें दो भाग यानी 50% अपने अपने निर्वाह में लगाएं, तीसरा भाग 25% सेविंग में डाल दें और 25% दान धर्म परमार्थ के कार्य में रखें, सेवा चैरिटी सब उसमें आ जाएगी। दूसरा है अपनी आय के कुल 6 भाग करें, यानी लगभग 16% के 6 भाग, उसमें 3 हिस्से में अपना खर्च चलाए यानी लगभग 49% और 2 हिस्सा यानी लगभग 33% जो आए उसको आप सेविंग में डाल दें और 1 हिस्सा यानी 16% का दान करें। ये मध्यम दाता है और जघन्य दाता है अपनी आय का कुल 10 भाग करें और 10 भाग में 6 भाग यानी 60% से अपना खर्चा चलाएं, 3 भाग यानी 30% सेविंग के लिए रखें और 10% का परमार्थ के कार्य में नियोजन करें। इससे कम का दान देने वाला दाता की श्रेणी में नहीं आता। बड़े सम्मान के साथ मैं आवाज दे रहा हूं हमारे अग्रज जो कि अभी अभी अमेरिका से बस लक्षण पर्व करके आ रहे हैं, हमारे अन्नू भैया जी जो कि सहपुरा के माल बाजार माने जाते हैं। जोरदार ताली मिलाकर उनका अभिनंदन करते हैं, अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में डॉक्टर अमित राजा जी, राजा भैया यहाँ पर उपस्थित, हमारे DSP माननीय हमारी रेखा दीदी जी के जो भाई भी हैं, ब्रह्मचारी हैं दोनों भाई बहन, जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करेंगे, अपना प्रश्न रखेंगे। इसके बाद मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, महाराज श्री अभी मैं अमेरिका में था तो वहाँ एक प्रश्न आया कि जब दोनों की शादी होती है और दुर्घटना या घटना में कोई एक चल बसता है, यदि लड़की चल बसती है तो लड़का दूसरी शादी कर लेता है और यदि लड़की लड़का यदि चल बसता है तो लड़की क्या करे? फिर आगम में कहा है कि आगम में कई मार्ग पर आज के परिप्रेक्ष्य में और भौतिकता के युग में ऐसा कोई समाधान बताएं जिससे कि देखो समाधान मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समाधान तो लोग खुद ही अपनाते हैं और अपना भी रहे हैं, उसमें मैं अपनी सील नहीं लगाना चाहता। मुझसे पूछोगे तो मैं तो राजमार्ग बताऊंगा, अपवाद मार्ग नहीं। अगर कोई अपने पति को खोती है तो उसका सबसे उत्तम मार्ग तो यही है, सील संयम सदाचार का पालन करते हुए जीवन को उत्सर्ग में लगा दे। कोई जरूरी है कि दूसरी शादी कर ले तो वो भी निभ जाए? मैं एक महिला, मेरी बात पूरी सुनो फिर आप अपनी करना,
मैं एक ऐसी महिला को जानता हूं जिसने 3 शादी की और 3 नहीं रहे। क्या कहोगे इसको? न कल का भरोसा है न पल का भरोसा, आप लोग बोलते हो ना, तो ये क्या है? अब कोई यूनाइटेड नेशन की बात हो चाहे कहीं की बात हो, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने जीवन को ऊंचा आदर्श बनाओ। हमारी समाज में ऐसी कई नारी रत्न हुई, उनमें एक माँ चंदाबाई हुई, आप लोगों ने नाम सुना होगा आरा में, जिन्होंने जैन बाला विश्राम बनाया। वो बाल विधवा थी, अल्प उम्र में पति को खोई, लेकिन वो पढ़ी लिखी नारी थी, पूरी नारी समाज के लिए एक आदर्श बन गई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्हें अपनी धर्म बहन के रूप में मानते थे। वो पद्म भूषण की उपाधि से नवाजी गई और जैन बाला विश्राम की स्थापना कर हजारों महिलाओं का उद्धार कर दिया। ये है आदर्श। आज की पढ़ी लिखी स्त्री का मत होने का अर्थ ये नहीं कि वो किसी पुरुष के साथ रहकर ही अपना जीवन निभा सकती, उसके अंदर इतनी योग्यता, इतनी क्षमता, इतनी प्रतिभा है और इतनी सामर्थ्य है कि वह अपने शील संयम का पालन करते हुए भी उच्च आदर्श को प्राप्त कर सकती है। तो रास्ता तो ये है, वो तो अपवाद है, और जिनको करना है वो स्वतंत्र है, कर भी रहे, हमारे मना करने से कोई थोड़ी रुकने वाले। लेकिन जीवन के लक्ष्य को समझो, जीवन का कल्याण भोग में नहीं त्याग में, इसलिए ऊंचे आदर्श को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। नमस्ते, मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में डॉक्टर ब्रह्मचारी राजा भैया जी अपना प्रश्न रख रहे हैं और इसी के बाद फिर तैयार रहेंगे दौलत राम जी जैन खंडवासी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है कि हम युवा लोग जो हैं पढ़ते आते हैं और सुनते आते हैं जैन धर्म भाव प्रधान है, लेकिन कुछ क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं, तो कब हमें भाव प्रधान को महत्व देना चाहिए और कब क्रियाओं को, खासकर मंदिर के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जब नया व्यक्ति जुड़ता रहता है तो उसको क्रियाओं के नाम पर बहुत ज़्यादा डांट या चीज़ें ऐसी हो जाती कि वो भग जाता है और बाहर निकल के वो बोलता है भाव प्रधान है तो हमें तो ऐसा करना चाहिए, तो इसके बीच में सामंजस्य कैसे बनाए? बिल्कुल, जैन धर्म भाव प्रधान है, लेकिन भाव प्रधान में क्रिया को भी एक भाव के रूप में देखना चाहिए। आप पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो पूजा के भाव के बिना जा रहे हैं क्या? आपके हृदय में पूजा का भाव उमड़ता है तब आप पूजा करने के लिए जाते हो ना, तो पूजा का भाव उमड़ा इसलिए पूजा करने गए, समझ गए? पूजा का भाव ही नहीं उमड़े तो पूजा के लिए क्या जाएंगे? तो भाव के बिना क्रिया नहीं, और क्रिया के पीछे भी एक भाव है। अगर कोई व्यक्ति क्रिया के प्रति पूरी तरह उदासीन है तो इसका मतलब उस क्रिया का उसका भाव ही नहीं है। यहां तुम आए, ये क्रिया है कि भाव? भाव और क्रिया दोनों, पहले आना तो क्रिया है, पहले भाव हुआ था और उसके पीछे का भाव है। तो भाव की अभिव्यक्ति का आधार क्रिया है और भाव की पुष्टि का आधार क्रिया है। क्रिया से भाव अभिव्यक्त होते हैं और क्रिया से हमारे भाव पुष्ट होते हैं। भाव हुआ, चलो आज शंका समाधान में चलते आ गए, यहां आने के बाद बैठ गए, दूसरों के प्रश्नोत्तरों को सुना, मन में भाव आ गया, एक सवाल मैं भी कर लूं, पुष्ट हो गया और फिर भाव ऐसा बढ़ा, अरे बहुत मजा आता है, महाराज जी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, अब मैं रोज सुनूंगा। क्या हुआ? क्रिया। क्रिया से भाव पुष्ट हुए और भाव से क्रिया बढ़ेगी, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए भाव प्रबल है, क्रिया को कौन मत करना, परंतु क्रिया मूल मत होना। जो लोग क्रिया मूल हो जाते हैं, भाव एक तरफ क्रिया में ही लग गए, अभी कोई नया नवेला बच्चा आया है, पहली बार अभिषेक करने के लिए आया है, उसको बेचारे को कुछ आता नहीं और तुम हो मुकद्दम, रोज के करने वाले,
और मुकद्दम क्या पूरे मंदिर के मालिक ही अपने आप को मान लेते हो। अब किसी से कोई गलती हो गई, चार आदमी के सामने उसको डांट पड़ दिया, ये बिल्कुल ही अव्यवहारिक बातें हैं। तुम सच्चे अर्थों में धर्मी हो तो कोई नया नवेला आदमी आता है, कोई क्रिया गलत भी कर दे तो उस समय कुछ मत बोलना, कर ले दो थोड़ा बहुत 19-20, जब क्रिया पूरी हो जाए एक तरफ धीरे से बुला, तो कहो बहुत खुशी है आप जैसे युवाओं को, आप जैसे नए लोगों को मंदिर में आकर देखे बहुत अच्छा लगता है, और आपने बहुत भाव से भगवान की पूजा की, मैं मुग्ध हूं आपकी पूजा से, मैं मुग्ध हूं आपकी पूजा से, बहुत अच्छा आप रोज आया करो। बस मुझे लगता है कि कभी आपने पूजा किया नहीं, अनुभव नहीं है, यदि आप चाहो तो मैं आपको कुछ सिखा सकता हूं, आप मेरे पास 10 मिनट बैठ जाओगे ना, एक दिन में सारी क्रिया सीख जाओगे, फिर आपसे कोई कमी नहीं होगी। ऐसा किया जा सकता है कि नहीं? पर जितने धर्मी है ना वो प्राय अहंकारी हो जाते हैं, और उनको ये अहंकार होता है कि मेरे से बड़ा कोई धर्मी हो ही नहीं सकता, उनका यही अभिमान अनेक प्रकार की विसंगतियां खड़ी कर देता है। तो उनसे बच के रहना चाहिए, बचा के रहना चाहिए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। दौलत राम जी जैन खंडवा से, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी अशोक जी सुषमा जी खुराई से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न ये है कि जीवन में परमार्थ, पुरुषार्थ और परोपकार तीनों की आवश्यकता है, लेकिन इनमें से सर्वश्रेष्ठ क्या है? परमार्थ, पुरुषार्थ और परोपकार तीनों की आवश्यकता, इनमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? तीनों श्रेष्ठ है और तीनों एक प्रकार का पुरुषार्थ ही है। आप जिस संदर्भ में बोलना चाह रहे हैं मैं समझ गया, परमार्थ तो आप धार्मिक कार्यों को कह रहे हैं, पूजा पाठ आदि सारी क्रियाओं को कर रहे हैं, पुरुषार्थ अपनी जीविकोपार्जन की व्यवस्था को कह रहे होंगे, है ना? यही आशा है। और परोपकार ये सेवा शुश्रूषा का कार्य। मेरा आपसे यही कहना है, एक गृहस्थ के लिए अर्थ पुरुषार्थी बनते हुए धर्म और काम का आश्रय लेने का विधान किया गया है, तो अर्थ का उपार्जन करो, धर्म से जुड़ते हुए नैतिकता, प्रमाणिकता और सदाचार के साथ धन अर्जन करो, और अपनी अर्जित संपत्ति का परमार्थ के कार्यों में उपयोग करो, परोपकार को भी अपने परमार्थ का हिस्सा मानो। केवल धन का अर्जन करोगे तो जीवन में अनर्थ होगा, लेकिन अर्थ साथ के परमार्थ करोगे तो जीवन सार्थक होगा। जी नमस्ते महाराज, नमस्ते। बंधुओं, मैं अशोक जी को बुलाऊं, उसके पूर्व हमारे बीच में मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय धर्मेंद्र जी शाह, जयेश जी, कमलेश जी शाह हमारे बीच में है धारा स्टील मुंबई से, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। निवेदन कर रहा हूं एक बार मंच के ऊपर आए, गुणायतन परिवार का अभिनंदन करती है। मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय हमारे सुभाष जी से, साथ ही निवेदन करता हूं हमारे कपूर जी से आकर के इनका अभिनंदन करेंगे, जोरदार ताली बजाकर के तीनों भाइयों से मैं निवेदन करता हूं एक बार मंच के ऊपर आए, और साथ ही में अनु और एक गुणायतन की अनुकृति जो हमारे बीच में यहां पर आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि यह गुणायतन ही है, यह पंचायतन शैली का यह जिनाला है, यह अनुकृति यहां समर्पित करके अभिनंदन कर रहे हैं, जोरदार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। मैं पूरे परिवार से निवेदन करता हूं, माननीय धर्मेंद्र जी, जयेश जी, कमलेश जी शाह परिवार से मैं निवेदन करता हूं, यहां से परिवार जन भी है तो सारे लोग एक साथ आ जाए, यहां पर पूरे परिजन यहां पर आ जाएं, जोरदार 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 करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, आपका दिया हुआ दान आप देख रहे हैं कि किस रूप से फलीभूत हो रहा है। बंधुओं, आज शांति धारा में भी इन्होंने अपने आप को जोड़ा हुआ था, और यह अनुकृति लेकर के जा रहे हैं आपको, बार 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 गुणायतन के पंचायतन शैली का इस जिनालय की आपको याद दिलाएगा कि हम कहीं से जुड़े हैं, वो कौन सा स्थान है, वो और कोई नहीं, वह यही पंचायतन शैली का विशाल जिनालय है, जो कि सम्मेलन शिखर की तलहटी में यहां पर स्थित है। बंधुओं, जोरदार तालियां और अभिनंदन की इसी कड़ी में, और अब लीजिए मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय अशोक जी सुषमा जी खुरई से, जो कि अगर प्रश्न रखना चाहे तो मैं निवेदन करता हूं सह परिवार से कि वो अपना प्रश्न रख सकते। चलिए, तो मैं निवेदन कर रहा हूं अशोक जी सुषमा जी अपना प्रश्न, और उसके बाद सीधे अपन मंच पर चलेंगे मुनि संघ के चरणों में।
नरेंद्र भाई जी से मैं निवेदन करता हूं साथ में एक बार, और नरेंद्र जी का प्रश्न भी है तो वो आकर के आशीर्वाद भी ले रहे हैं और अपना प्रश्न रखेंगे। नरेंद्र शाह जी मुंबई से, बोरीवली से, पूज्य श्री के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद ले रहे हैं और अपना प्रश्न भी रखेंगे। नरेंद्र जी लीजिएगा यहीं से, बहुत बढ़िया। कई वर्षों से ये नरेंद्र जी को मैं जानता हूं, हमारा श्री मुनिशन से जुड़े हुए हैं जी, और साधु सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं माननीय नरेंद्र जी शाह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। एक मुनिराज से चातुर्मास में सुना कि रात्रि भोजन के बारे में कि व्रतियों को सूर्यास्त से दो घड़ी पहले भोजन कर लेना चाहिए और अव्रतियों को सूर्यास्त से एक घड़ी पहले भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन कहीं पढ़ने में नहीं आया महाराज जी, कहीं उल्लेख है क्या उसका? हाँ आया है, मूलाचार्य में मुनियों के लिए आया नाली तद्यम, तीन घड़ी पहले आहार समाप्त करना, और श्रावकाचारों में व्रतियों के लिए दो घड़ी का आया है। अब व्रति का कुछ नहीं, दो घड़ी के पहले भोजन करना चाहिए, गली निकाल ली आप लोगों ने, उन्होंने अवृत्ति को एक घड़ी पहले, अब वो कहीं उनको मिला तो नहीं कह सकते, दो घड़ी पहले का मिला। बहुत सुंदर, इसलिए सुनो शिखर जी, दूसरा शिखर जी आने वाले, यहाँ दिन जल्दी अस्त होता है, 5 बजे तो देखते हो आप लोग, 5:15 पे तो डार्क, यहाँ शिखर जी में आपको सच्चे अर्थों में रात्रि भोजन से बचना है तो 4:30 बजे भोजन शुरू कर देना चाहिए मैक्सिमम, और जल्दी करो व्रतियों को तो 4 बजे, दिन भी जल्दी उगता है, तो उस तरीके से करे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग तो बजे देखते हैं, रात्रि भोजन हमारे त्याग है, कितने बजे तक लेते हैं? 7 बजे तक, कई लोग तो शायद शंका समाधान के बाद भी लाइन में लगते होंगे कि रात है। एक ने कहा महाराज जैनियों की रात तब तक नहीं होती जब तक अंथव नहीं हो जाए, बुंदेलखंड में शाम के भोजन को अंथव कहते हैं, तो कहावत है कि बानियों की रात तब लो नहीं हो जब लो अंथव ना हो, तो ये बड़ा बेईमानी का काम है, ऐसा ठीक नहीं है, हमें समयबद्ध होकर अपना काम करना चाहिए। हाँ अशोक, निवेदन कर रहा हूँ अशोक जी, सुषमा जी सिंह खुरई से, महाराज श्री को नमोस्तु, छिलक जी एलक जी को इच्छामी। महाराज श्री कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र बन जाते हैं, इसे समय की परिवर्तनशीलता समझें या कर्मों का खेल, समाधान कीजिएगा महाराज जी। ये कर्मों का खेल है, समय नहीं बदलता, कर्म ही समय को बदल देता है। नमोस्तु, मैं निवेदन कर रहा हूँ मुनि संघ के चरणों में मैं पहुंच रहा हूँ, और पूज्य चुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन कर रहा हूँ महाराज श्री मुनि संघ से आप हमें जोड़ने का। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु, प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। मुनिश्री को नमस्तु करते हुए आज प्रातः काल के बेला से ही भगवान महावीर मोक्ष गए, इस उत्सव को हम सब लोग मना रहे हैं, और प्रायः धार्मिक मंचों पे गुरुओं के मुख से दो बात सुनने में आती है, एक मोक्ष और दूसरा मोह। मोक्ष और मोह ये क्या है, इस विषय को लेकर के पूज्य गुरुवर ने मूक माटी में एक संक्षिप्त परिभाषा दी है कि पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा, पुरुष प्रकृति से दूर होगा निश्चित ही विकृति का पूर होगा। बहुत सुंदर, पुरुष का प्रकृति में रमना ही मोक्ष है, सार है, और अन्यत रमना ही भ्रमना है, मोह है, संसार है। पुरुष और प्रकृति का क्या स्वरूप है, पुरुष प्रकृति में रमता है तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है, और उस प्रकृति को छोड़ के अन्य जगह चला जाता है तो संसार को प्राप्त होता है, इसका रहस्य आपके मुख से सुनने को मिले। नमोस्तु,
देखिए पुरुष और प्रकृति ये दो शब्द हैं, यदि अन्य दर्शन के संदर्भ में कहें तो बात कुछ और होगी, पर परम पूज्य गुरुदेव ने जिस संदर्भ में ये बात कही है उसे हमें समझना है। यहाँ पुरुष का अर्थ आत्मा है और प्रकृति का मतलब स्वभाव। मनुष्य की आत्मा या प्राणी की आत्मा जब अपने स्वभाव में स्थिर होती है तो निर्विकार बनती है, और वही निर्विकारता उसके मोहों का शमन कर, मोहों का विनाश कर मोक्ष का आधार बनती। तो अगर मुक्ति चाहिए तो हमें अपनी प्रकृति में स्थिर होने की जरूरत है। हमारी जो प्रकृति है वो सहज शांत केवल ज्ञाता दृष्टा रूप है, लेकिन मोहजन विकृति के कारण हमारे हृदय में राग द्वेष आदि के अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। ये विकार हमारे स्वभाव को बिगाड़ते हैं और इससे हमारे संसार की वृद्धि होती। तो हमें प्रकृति में जीना है, विकृति से बचना है। तो आज महाराज ने प्रकृति और विकृति की बात की, मैं चार शब्दों के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट करना चाहूँगा। प्रकृति, विकृति, संस्कृति और दुष्कृति। गाय का दूध दुहना प्रकृति, गाय का दूध दुहना प्रकृति है। दूध न दुहा जाए तो गाय को तकलीफ होगी, प्रकृति स्वभाव है। दूध का फट जाना विकृति, दूध को ढोल देना दुष्कृति है, बर्बाद कर देना, और दूध से घी निकाल लेना संस्कृति है। तो प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए। जब मनुष्य अपने जीवन को रचनात्मक दिशा देना शुरू करता है तब उसकी सही प्रकृति प्रकट होती है, और प्रकृति जब अपने प्राकृतिक रूप में प्रकट होती है तभी वह अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। निवेदन है पूज्य छोलक्षी समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति करें। मुनि चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। राजी इसी संबंधी प्रश्न है कि आज प्रातः वेला में भगवान को मोक्ष हुआ, कर्म आठ होते हैं, आयु कर्म के बारे में सब जानते हैं कि उसका कोई समय आता है जब वो बनता है, लेकिन सात कर्म जो हैं उनका प्रति समय एक जीव को किस प्रकार से बंद होता है, जैसे उच्च नीचे है, देव मनुष्य मानुष नारी की चार गतियां हैं और शुभ अशुभ कर्म है, तो ये प्रति एक जीव को एक समय में सात कर्मों का बंद किस प्रकार से होता है, उदाहरण समझा। देखिए सात कर्म जो है मूल रूप से बनते हैं, लेकिन मूल रूप से सात कर्म की सारी प्रकृतियां एक साथ नहीं बनती, जो बनती है उनके अलग अलग सन्निकर्ष समीकरण बने हुए हैं उसके अनुरूप बनेगी। जैसे अगर मनुष्य गति का बंध हो रहा है तो वे ही प्रकृतियाँ बंध पाएगी जो मनुष्यों में उदय के योग हैं। देवों की गति का बंध हो रहा है तो देवों के उदय योग प्रकृतियाँ बंधेगी, ऐसे ही चारों गतियों के साथ लगाना। निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य मुनित्रय को बारम्बार नमोस्तु। महाराज जी जब चातुर्मासी स्थापना होती है तो उस नगर के वासियों को बहुत हर्ष होता है, लेकिन जैसे जैसे चातुर्मास पूर्ण होने को होता है उसके बाद निष्ठापन फिर साधु का निश्चित विहार होता ही है तो श्रावक को दुख होता है। तो ऐसी स्थिति में जब साधु का विहार होना होता है तो श्रावक अपने मन को कैसे, अपने दुख तो होता ही उनको जब साधु का विहार होना होता है तो श्रावक को दुख तो होता ही है, लेकिन ऐसा वो क्या करे कि उनका धर्म ध्यान और उनका उत्साह लगातार वृद्धिगत होते रहे। नमोस्तु महाराज। देखिए साधु की अपनी चर्या बंधी है, साधु तो आते हैं जाते हैं, जाने के लिए आते हैं, तो इस बात से श्रावकों को दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने दुख का शमन करते हुए उनसे जो सीख मिली है उसे आत्मसात करना चाहिए। एक स्थान पर हमारा चातुर्मास हुआ, बिहार होना था, हल्ला हो गया, बहुत सारे लोग आए, तो एक पत्रकार भी आया,
उसने कहा महाराज जी सुना है आप जा रहे हो। मैंने कहा आपने सही सुना है। महाराज जी किसी का दिल दुखाना पाप है कि नहीं? बोले बिल्कुल पाप है। आप जाओगे, आप सबको छोड़ के जाओगे तो सबका दिल दुखेगा, इसका पाप आपको नहीं लगेगा। आप सबको छोड़ के जाओगे, सबका दिल दुखेगा, आपको पाप नहीं लगेगा। हम बोले बिल्कुल, जो छोड़ के जाएगा उसको उसका दिल दुखेगा। मैं तो तुमको छोड़ के नहीं जा रहा, तुम हमें छोड़ के आओगे, चलो हमारे साथ। अब तुम छोड़ के आओगे तो पाप तुमको लगेगा, हमको नहीं लगने वाला। बात केवल इतनी सी है कि अगर साधु जन आए हैं तो साधु भले चले जाए, तुम्हारे हृदय में उनने स्थान बना लिया और तुमने अपने हृदय में विराजमान कर लिया तो उनकी प्रेरणा और सीख पूरे जीवन तुम्हारा आलंबन बनेगी और उससे जीवन आगे बढ़ेगा। बंधुओं, आज बड़ा पावन पुनीत दिन है। आज भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण की प्राप्ति की, तो संपूर्ण देशवासियों को, विदेशवासियों को, सभी को गुणायतन और सेवायतन परिवार की ओर से सबसे पहले मैं बहुत 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 दीपावली की शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। और साथ ही बंधुओं, आज चातुर्मास का निष्ठापन हो चुका है, तो मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा जिन लोगों ने चातुर्मास में यहां पर कलश स्थापित किए थे अपने, वो अपने कलश यहां से गुणायतन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। या तो वो स्वयं आए तो ले सकते हैं, या उनके कोई परिजन अगर यहां पर आ रहे हो तो आप उनको सूचना करें जिससे कि वो आपका कलश आपके स्थान तक, आपके घर तक सकुशल पहुंचा सके। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज चातुर्मास का समापन तो हो चुका है पर एक विशेष कार्यक्रम यहां पर अभी होने वाला है जो कि अष्टानिक महापर्व में 108 मंडलीय विधान इसमें हो रहा है। हमारा बंधुओं, मात्र एक मंडल शेष बचा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिसकी भी भावना हो उस एक मंडल के लिए अतिशीघ्र अपना नाम दे दें जिससे कि आपको यह मंडल मिल सके। और इसके बाद बंधुओं, फिर न जाने कब कैसा अवसर मिलेगा, पूज्य श्री के सानिध्य में संवेद शिखर क्षेत्र होगा, सिद्ध चक्र विधान होगा और प्रसिद्ध महाराज के सानिध्य में होगा, ये बहुत बड़ी बात होगी बंधुओं। इसके लिए आप लोग अपनी स्वीकृति दे करके यहां से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मैं अब प्रश्न के लिए यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं, सुनीता जी जैन अहमदाबाद से है, अपना प्रश्न रखे, उसके बाद इंदु जैन सागर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, मुनि संघ की नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं जैसे दो दिन के लिए बाहर जाती हूँ, मेरा नियम है कि बाहर नहीं खाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? बिल्कुल, या तो अपने साथ अपना खाना लेके जाओ या खाने ले बनाने की व्यवस्था लेकर जाओ, और नहीं है तो आराम से फल फूल खा लो। देखो, एक व्यक्ति चेक गणराज्य में गए, चेकोस्लोवाकिया वगैरह और उधर, उन्होंने 15 दिन तक एक राजनीतिक ट्रिप में गए थे। 15 दिन तक उन्होंने वहाँ कुछ भी खाने योग्य नहीं, सब नॉन वेज होटलों में। तो उन्होंने क्या किया, घर से चना ले गए, मूंग ले गए, मसाला बना के ले गए, और शाम के टाइम में थोड़ा सत्तू ले गए। शाम के टाइम में चना मूंग भिगो दिया, सवेरे चना मूंग और वहाँ जो फल मिलते थे फल लेके जहाँ होटलों में रुकते थे वहीं बनाया, थोड़ा सा चना मूंग का आधार दे दिया अन्न का, और फल खा करके अपना काम चला लिया। 15 दिन में एक दाना बाहर का नहीं लिया, हो गया। हाँ, ये कई जगह ब्रह्मचारी, तुम तो ब्रह्मचारी, हम ब्रह्मचारी की बात नहीं कर रहे, ब्रह्मचारी तो करेगा ही, ये कह रहे हम भी करके आए, बोले तुम्हारी गिनती नहीं है। लेकिन जो आम आदमी है वो कर सकता है, तो उन्होंने ऐसा किया। तो अगर आपने कोई नियम लिया है तो नियम को निभाओ, नियमों को अपने अनुरूप मत ढालो, खुद को नियमों के अनुरूप ढालो, सब रास्ता मिल जाएगा। और हमने लिया तो जो नियम है उसको निभाना है, ऐसी चीज नहीं खाना तो नहीं खाना, नहीं, अपनी व्यवस्था लेकर के चलना है, सारा रास्ता निकलेगा। चलिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इंदु जैन सागर से, और इसके बाद श्रीमती अर्चना जी जैन गुना से। ओ,
मुनि राजों के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु सब परिवार वालों की तरफ से शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। सवाल करिए जल्दी से। मेरा प्रश्न है कि मेरी इच्छा है कि मेरा समाज सर लिखना पूर्ण मरण हो, इसके लिए मैं किस प्रकार साधना करूं? बस सबसे पहले रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग करो, आगे समझ में, फिर व्रती बनने का अभ्यास करो, व्रती बनो और रोज भावना भाव रास्ता खुलेगा। चलिए श्रीमती अर्चना जी जैन गुना से। महाराज जी एक प्रश्न, बस एक ही, इधर दीजिए महाराज जी, एक छोटा सा, उधर इधर दीजिए, हाँ गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी करो। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि अपन कोई भी जैसे मकान की ओपनिंग हुई या कोई गाड़ी वगैरह लेते हैं तो उस पर नारियल फोड़ के छिटके चढ़ाते, लेकिन अपने इधर तो ये मान्यता नहीं है, तो वो किसका स्वरूप है? नारियल फोड़ना कोई उचित नहीं है, छिटकी चढ़ाना नहीं, हमारे यहाँ तो अर्घ आदि चढ़ाते, मांगली हाँ। करते, दिग्बंधन आदि करते हैं। नारियल को एक शगुन के रूप में कुछ लोगों की मान्यता कि नारियल फोड़े और दोनों भेला एकदम साफ स्वच्छ निकले यानी हमारा काम अच्छा है, और वो खराब निकले तो गलत है। ये केवल एक मन का टोटका है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और संबंधित ये की है कि जैसे बोला तो जो बोल रहा हूँ सुनो, ये सब करते हैं रूढ़िवश करते हैं, नारियल फोड़ने में कोई दोष नहीं है, पर नारियल को धर्म मान करके फोड़ना ठीक बात नहीं है, और नारियल जमीन में फोड़ना, किसी के मूड़ पर मत फोड़ देना, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसको देखने की जरूरत है। तो वो आपको अपने विवेक से काम करना चाहिए, विवेक अनुरूप अगर कोई कार्य करते हैं तो उसके परिणाम अच्छे होते। एक सवाल और लीजिए। हाँ प्रांजल जैन गुना से। हो गया, अगला लीजिए। हाँ वाणी जैन लखनऊ से, अंतिम प्रश्न के रूप में जल्दी दो। वाणी जैन जी हाँ, जिन्होंने आज पहली शांति धारा में अपना सहयोग दिया था, वाणी जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, गंदे लोगों को कैसे अच्छे बनाते हैं? गंदे लोग अच्छे तब बनते हैं जब वो अच्छे लोगों के पास रहते हैं, समझ गए? जैसे गंदे नाली का पानी गंगा में जाकर गंगा जल बन जाता है, ऐसे ही गंदे लोग अच्छे लोगों की शरण में आकर अच्छे लोग बन जाते हैं। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी महाराज की।